अस्सलाम वालेकुम। ऐसे फूड सर्विस के यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हम आज अपनी पहली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है चिकन शामी। ये देखने और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत एनर्जीफुल होते हैं। लंच, हाई टी, ब्रेकफास्ट, नाश्ते और डाइट के लिए स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं। हम जो शामी कबाब आपको सिखा रहे हैं ये डाइट में लोग खा सकते हैं और पेट भर कर खाने पर भी ये वज़न नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपका वज़न दिन ब दिन कम होता चला जाएगा। इसके लिए कुछ अज्जा दरकार है जो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त। मुर्गी आप हड्डी वाली लें या बोनलेस। बोनलेस लेंगे आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। अगर इस तरह से आप बोनलेस लेंगे तो आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। अगर आप हड्डी वाली मुर्गी लेंगे, पूरी मुर्गी लेंगे तो आपको वो सही रहेगा। और चिकन के बड़े बड़े टुकड़े करवा लीजिए ताकि उबालने के बाद चिकन के रेशे करना आसान हो। तकरीबन 1 किलो या 1.5 किलो चिकन आप लेंगे तो उसमें से आपको 1 किलो गोश्त मिल जाएगा। उसके बाद हम लेंगे चने की दाल। ये दाल अभी सूखी है, अभी चिकन भी हम वॉश करेंगे और उसके बाद हम दाल भी वॉश करेंगे। दाल धोने के बाद, अच्छी तरह धोने के बाद हम चिकन में डालेंगे। हमें चाहिए सौंफ, तकरीबन 2 टेबल स्पून सौंफ और तकरीबन 1/2 किलो दाल हमने ली स्पून। उसके बाद हम लेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ली है। अगर आप मिर्ची तेज़ खाते हैं, तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर हरी मिर्च और कुटी मिर्च भी मिलाऊंगी इसलिए मैंने लाल मिर्च कम ली है। इसके बाद आगे हमें कुटी मिर्च और हरी मिर्च की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैंने लिए घर का पिसा हुआ गर्म मसाला जो कि तकरीबन है 1 से 1.5 टेबल स्पून। आप सब ये देख सकते हैं कि मैं घर के अंदर ग्राइंडर में खुद ही गरम मसाला पीसती हूँ क्योंकि खुशबू और टेस्ट के हिसाब से ये बाज़ार में मिलने वाले तमाम गरम मसालों से कई गुना बेहतरीन होता है। सिर्फ इसका डब्बा खुलने पर ही पूरे कमरे में खुशबू भर जाती है। अब आप देखिए कि दाल हमने धो ली है अच्छी तरह से। दाल का धोकर पानी निकाल दिया है। 3 से 4 दफ़े दाल को धोकर हमने पानी निकाल दिया है। तमाम मसाले और दाल अब हम चिकन में डालेंगे। अब आप देखें कि चिकन के साथ हमने तमाम दाल वगैरह धो के डाल दी है, चिकन भी धो दी है, तमाम मसाले डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम पानी भर के डालेंगे और पकने रख देंगे। नमक आप हसबे ज़रूरत ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल भी खाना पकाना नहीं आता तो अंदाज़े के लिए मैं बता दूँ कि तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक इस तमाम क्वान्टिटी के अंदर जाएगा। ये देखिए हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। ये हमने पानी इसके अंदर डाल दिया है। ये तमाम मसाले इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, ज़ीरा, सौंफ, नमक, मिर्च। अब हम चूल्हा जला देंगे और तकरीबन 1.5 घंटे इसको पकने देंगे। अब देखें हमारे पास ये तमाम चिकन और दाल का मिक्सचर सारा बॉईल होकर, और हमने इसको इतना बॉईल किया कि दाल बिल्कुल पिस गई और चिकन घुल गई, हड्डियों पे से उतर गई। अब हम इसको चिकन की हड्डियां अलग करेंगे और हड्डियां अलग करके हम सिर्फ चिकन और दाल के मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे। ग्राइंडर चॉपर में डाल के ग्राइंड करेंगे, चॉप कर लेंगे अच्छी तरह बिल्कुल बारीक। ये मैंने यहाँ पर कुछ बूटी और दाल का मिक्सचर अलग करके रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और उसके बाद जब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, तो उसके बाद ही बिल्कुल इस तरह से बुरादे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये बिल्कुल भुरभुरा ऐसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि चिकन कितनी पिसी हुई है इसके अंदर, बिल्कुल बारीक पिस गई है। ठीक है, अच्छा, दाल अगर कोई थोड़ी सी मोटी भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है क्योंकि दाल जो है, अगर कोई छोटी मोटी हड्डी रह गई उसको निकाल दीजिए, और अगर दाल जो है वो थोड़ी सी गली भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से बारीक कर लीजिए क्योंकि ये अभी मज़ीद इसके अंदर मसाले मिलेंगे और ये दाल इतनी गली भी है कि ये मुंह में नहीं आएगी। इस तरह से इसको हाथ से मसल के देखते रहिए ताकि अगर बीच में, क्योंकि चिकन की हड्डी नरम होती है, साथ आ सकती है, ग्राइंड होने के बावजूद भी आ सकती है, तो आप इसको हाथ से ज़रूर मसल के देखिए। ठीक है, अभी हम इसके अंदर, मैंने थोड़ी सी प्याज डाली है, थोड़ी सी प्याज हम इसके अंदर और डालेंगे और फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। अब हमारा ये चिकन का कीमा तैयार है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे
ये कुछ हमने हरी मिर्ची अंदाजे से लिए, कम से कम 12 से 15। देखने में ये तेज़ है लेकिन मैंने चख के देख लिया था ये तेज़ नहीं है। अगर आपको ऐसी तेज़ मिर्च मिलती है कम डालिए। और मैंने आपको याद होगा कि रेसिपी के शुरू में लाल मिर्च कम रखी थी ताकि आराम लाल हरी मिर्च डाल सकें हम, तो हरी मिर्च हमने ये ली है। हरी मिर्च से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये कच्चा लहसुन है, ये पुदीना है, ये एक अदरक का टुकड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा, कितने साइज़ का फ्रेश टुकड़ा। उसके बाद हमने कुछ ये पुदीना धो लिया है, पुदीने की जड़ें काट कर हमने पूरा पूरा पुदीना धो लिया है साफ़ करके। उसके बाद ये प्याज़ है, ये इतने बड़े प्याज है, अगर एक टुकड़े में हो प्याज तो भी आप ले सकते हैं। और साथ ही हमने इस कीमे के चिकन के जो हमने बनाया है मिक्सचर, इसके अंदर हमने आप जर्दियाँ गिन सकते हैं, 1 2 3 4 चार अंडे हमने डाल दिए हैं। अब आप देखें कि ये हरा मसाला जितना था, अदरक लहसुन धनिया पुदीना हरी मिर्च, ये बिल्कुल बारीक हमने कर दिए, बिल्कुल बारीक, ठीक है। और इसको अब हमने कीमे के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसको सिर्फ मिक्स करेंगे। और अगर आपको नमक मिर्च अपने घर के हिसाब से कम लगे तो आप ज़्यादा कर दीजिए, मिक्स करने के बाद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको सही लगता है तो बस इनको अब कुछ भी नहीं, अंडा लगाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस अब इस मिक्सचर को हमने कबाब की शेप देनी है और तल लेना है। अब ये हमने तमाम जितना भी चिकन का बनाया था मिक्सचर, हरे मसाले और चिकन का कबाबों का जो हमने मिक्सचर बनाया था, हमने उसकी टिक्की बना ली है। और ये टिक्की बनाकर अब हम चाहें तो इसको फ्राई अभी के अभी कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए मेरे पास एक ये छोटा सा डब्बा है इस तरह का, ये मेरे घर के इस्तेमाल का, तो इस तरह के डब्बे में हम रखते हैं। अच्छा, रखने के लिए मैं इसके हर टिक्की के लेयर के बीच में प्लास्टिक शीट लगाऊंगी, और उसका तरीका भी मैं आपको बता सकती हूँ। और ये ताज़ा बने हुए कबाब आप तकरीबन 1 महीने तक फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब आपको बनाने हो, तलने हो, तब आप निकालें और तल लें। अब ये इसके अंदर आप रखते चले जाएं लाइन से, पहली लेयर में इसी तरह से लगाती जाऊंगी। अब ये हमारी पहली लेयर लग गई है। अच्छा, अब इसके बीच में मेरे पास प्लास्टिक शीट्स हैं, वो मैं लगाऊंगी। प्लास्टिक शीट्स आप चाहें तो बाज़ार से नहीं भी ले सकते हैं, और वरना मैं आपको छोटी सी टिप देती हूँ कि आप सबके घरों में जो फ्रोज़न पराठे या रोटी आती है उसके बीच में प्लास्टिक शीट्स होती हैं, वो प्लास्टिक शीट आप इसके बीच में इस तरह से वो आप संभाल के रख लीजिए, बिल्कुल उनको धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, इसके बीच में इस तरह से लगाइए, और हर कबाब को दूसरे कबाब से अलग करके इस तरह से करते जाइए। मैंने हाथ से कबाब बनाए हैं तो मेरे हाथों पे अभी कबाबों का कीमा लगा हुआ है। आपको कबाबों के अंदर चिकन के रेशे, धनिया पुदीना प्याज कुटी लाल मिर्च हर चीज़ नज़र आ रही है, और ये इस बात का सबूत है कि आपके कबाबों में तमाम अज्जा बहुत साफ़ सुथरे और ताज़ा डाले गए हैं, और यही चीज़ हमारी सेहत पर असर डालती है। यहाँ पे शीट हमारी छोटी पड़ गई है, हमने दूसरी शीट लगाई है। ये दूसरी शीट लगाकर हम इस लेयर को भी पूरा करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब ये शीट का कुछ किनारा हमारा बाहर रह गया है, उसको हम, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से फोल्ड करते हैं। अब ये शीट का जो किनारा बाहर रह गया इसको हम इस तरह से इधर से पलट के ले आएंगे, ठीक है। ज़रा सा प्रेस करेंगे, ये इसके ऊपर बैठ जाएगी, और इस तरह से हम कबाबों की तह लगाते चले जाएंगे। यहाँ हमारे पास शीट नहीं है, यहाँ पे हम दूसरी शीट बिछाएंगे और उसी तरह से पलट के ले आएंगे, और इस तरह डब्बे को भर के और एयर टाइट बॉक्स को बंद करके हम फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो इस तरह आपने सीखा कि चिकन शामी कबाब किस तरह बनाए जाते हैं घर में। ये बच्चों के लिए, लंच के लिए बहुत अच्छे हैं, अचानक से मेहमान आ जाए उसके लिए अच्छे हैं, सादा सादा दाल बनी हो घर में उसके साथ खाने के लिए बहुत अच्छे हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही जो लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अब हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको चाहिए कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब वीडियो को शेयर करें, और हमारे लाइक्स बढ़ाने में हमारी मदद करें। ऐसे फूड सर्विस कराची की होममेड मील सर्विस है, आप लोग हमें ऑर्डर भी दे सकते हैं, साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, उसको प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा, और हमारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ इस तरह आप हमारे साथ साथ सीख सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।